अस्सलाम वालेकुम यी वन वेलकम टू ग्रो यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन आज के लेसन में हम ये चार फ्रेजेस के डिफरेंस को समझेंगे कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट इन कंसिस्ट विद एंड कंसिस्ट ऑन देखिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कंसिस्ट जो वर्ड है इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये तो हम अपनी आम जो इंग्लिश है राइटिंग में भी और स्पोकन में भी इसको, इसको इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट प्रपोजिशन के साथ जब आता है तो इसके मतलब जो है वो आ, चेंज हो जाते हैं ठीक है तो वो आज उनके जो सटल डिफरेंसेस है मीनिंग के अंदर वो हम समझेंगे कंसिस्ट का मतलब होता है मुश्तमिल होना कोई चीज़ किसी चीज़ की कितनी चीज़ों पर कंसिस्ट करती है मतलब कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है तो कहाँ पर फिर हम इसको जब इस मीनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो कहाँ पर कंसिस्ट ऑफ इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर कंसिस्ट इन इस्तेमाल करेंगे कहाँ पर कंसिस्ट विद और कहाँ पर कंसिस्ट ऑन इस्तेमाल करेंगे प्रपोजिशन चेंज होने की वजह से इसके मीनिंग में जो है वो तब्दीली आएगी अब वो लोग जो कि किसी कंपटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है इसी तरह से आम अगर कोई नहीं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा फिर भी आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बोलते वक्त जो है राइट right प्रपोजिशन का इंतजाम करें जब भी आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो तो लेसन इंपॉर्टेंट होगा तो एंड तक देखिएगा ठीक है तो पहले समझ लेते हैं कंसिस्ट ऑफ का क्या मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ का मतलब डिस्क्राइब्स समथिंग इज मेड अप ऑफ पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट फिजिकल कॉम्पोनेट्स और एलिमेंट्स देखिए कोई चीज कंसिस्ट ऑफ जो है ना ये इसका सबसे बेसिक वाला और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली जो फ्रेज़ है वो कंसिस्ट ऑफ है और जब हमने कहना होता है कि कोई चीज़ कित किन चीज़ों पर मुश्तमिल है उसके लिए हम कंसिस्ट ऑफ़ बताते हैं मतलब एक चीज़ जो है उसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि कोई रेसिपी है उस रेसिपी के बारे में बात करनी हो तो इस रेसिपी में कितने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है जैसे लजानिया हो गया या कोई भी रेसिपी जैसे बिरयानी की एग्जांपल ले लेते हैं बिरयानी कंसिस्ट बिरयानी कंसिस्ट ऑफ राइस चिकन एंड स्पाइसेस

एक जो है वो कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो मतलब उसमें फ्लावर होता है मैदा होता है अंडे होते हैं शुगर होता है और बटर होता है ठीक है तो यहां पर हमने क्या यूज किया कंसिस्ट ऑफ इसी तरह से जैसे है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड कोई शहर ऐसा है कि जहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से उनके जो कल्चरल बैकग्राउंड मतलब दुनिया के मुख्त हिस्सों से वो आए हैं मुख्त बैकग्राउंड से उनका तल्लु

अब वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है तो वो चूंकि उसमें अगर पाँच लोग हैं दस लोग हैं पंद्रह लोग जितने भी के लोग भी उसमें शामिल है ठीक है तो वो कितने लोगों पर मुश्तमिल है वो पाँच लोगों पर मुश्तमिल है तो चूंकि हम उस उसके इंग्रेडिएंट एक एक चीज़ है ना कमेटी है कमेटी लोगों से मिलकर बनती है तो कितने लोगों पर मिलकर बनी है वो तो उसके जब भी आप किसी चीज़ के एलिमेंट्स या इंग्रीडियंट्स या कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात कर रहे होंगे फिजिकल कॉम्पोनेन्ट्स फ़िज़िकल इंग्रीडियंट्स के बारे में तो वहां पर आप कंसिस्ट ऑफ जो है इसको इस्तेमाल करेंगे अब आ जाते हैं कंसिस्टेंट की तरफ ठीक है कंसिस्टेंट जो है ना यह बताता है किसी चीज की क्या क्वालिटी है उसकी इनस, इसेंस, उसकी नेचर उसकी अंदर की जो खसूसियात है इसको समझ लीजिए किन खियात पर ये चीज मुश्तमल है हमने कंसिस्ट ऑफ देखा कि किन फिजिकल एलिमेंट्स के ऊपर वो चीज मुश्तमल है कोई भी चीज ठीक है कि जैसे हमने केक की एग्जांपल ली या जैसे हमने कमेटी की एग्जाम्पल ली ठीक है किस शहर की एग्जाम्पल कि किन उसमें फिजिकल चीजों की बात हो रही होती है अगर आपने किसी चीज के बारे में कहना हो कि वो किन खसूसियात पर उसकी जो क्वालिटीज के बारे बारे में जब आपने बात करनी है उसकी नेचर के बारे में बात करनी है तो वो जो है, वो जो, जो होती है ना होती है, होती है, ठीक है? तो वहां पर आप को इस्तेमाल कीजिएगा जैसे कि यह सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन इट्स केयरफुल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एक प्रोजेक्ट की जो सक्सेस होती कामयाबी होती है वो किस चीज पर मुश्तमिल होती है अब जो हमने कामयाबी के लिए जब भी बात करनी होती है तो वो क्वालिटीज के ऊपर मुश्तमिल उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हो तो जनाब कामयाबी मिलती है तो जब हमने क्वालिटीज की बात करनी है तो हम कंसिस्ट ऑफ नहीं करेंगे यूज हम कंसिस्ट इन करेंगे क्योंकि फिजिकल एलिमेंट्स नहीं है ठीक है तो क्या हुआ कि वो किन चीजों पर मुश्तमिल होती है केयरफुल प्लानिंग पर होती है एग्जीक्यूशन और उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है मतलब एक बड़ी केयरफुल किस्म की प्लानिंग की जाए फिर आप उसमें यह भी कह सकते हैं हार्डवर्क कुछ भी आपने मतलब सक्सेस के अंदर चीजें ऐड करनी है कि कौन कौन सी क्वालिटीज होनी तो उन सारी क्वालिटीज को बयान करते वक्त आप कंसिस्ट इन को इस्तेमाल कीजिए इसी तरह से जैसे ये सेकंड एग्जांपल है कि अ गुड फ्रेंडशिप कंसिस्ट इन म्यूचुअल ट्रस्ट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट अब अच्छी दोस्ती जो है वो किन क्वालिटीज पर मुश्तमिल होती है किन खसूसियात पर कि मतलब कौन सी क्वालिटीज़ हो दो दोस्तों के बीच में तो उनके दरमियान में अच्छी दोस्ती जो है वो बनती है तो वो क्या है कि भी ट्रस्ट होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर जो इतमाद होना चाहिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए सपोर्ट होनी चाहिए ठीक है तो ये क्या हो गया कंसिस्ट इन इसी तरह से हैप्पीनेस ऑफ कंसिस्ट इन अप्रिशिएटिंग द सिंपल जॉय ऑफ लाइफ खुशी किन चीज़ों पर मुश्तम अब खुशी के लिए भी हम क्वालिटीज बताएंगे तो कंसिस्ट ऑफ नी हम कंसिस्ट इन करेंगे किन चीजों पर मुश्तमिल होती है क्या जिंदगी के जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना उनको अप्रिशिएट करें तो आप खुश होंगे ज़िंदगी में ठीक है तो जब भी आपने क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी तो कंसिस्टेंट के बारे में कंसिस्टेंट यूज़ कीजिए और जब भी आपने फ़िज़िकल uh, एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कंपोनेंट्स के बारे में बात करें जो फ़िज़िकल हो उन उसको इस्तेमाल करते हुए कंसिस्ट ऑफ इस्तेमाल कीजिए अब आ जाते हैं कंसिस्ट विद की तरफ कि कंसिस्ट विद हम कब यूज़ करते हैं कंसिस्ट विद हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ साथ मेल खा रही हैं, कंपेटिबल है जब आपने कंपेटिबिलिटी दो चीजों की बतानी होती है ना तो वहां पर कंसिस्ट विद इस्तेमाल होता है कि ये दो चीजें जो है ना ये एक दूसरे के साथ मेल खा रही है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल न, मतलब एक दूसरे के मुताबिक है जैसे हम कह सकते हैं ठीक है थीके? तो वहां पर हम कंसिस्ट विद यहाँ पर कोई क्वालिटीज या कोई फिजिकल एलिमेंट्स या कोई भी इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है और उनके बारे में बताया जा रहा है कि हाँ ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या एक दूसरे के साथ मेल खा रही हैं तो वहां पर हम कहेंगे कि ये कंसिस्ट विद हैं एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं जैसे कि पहली एग्जाम्पल है his action अब देखे ना किसी इंसान के जो एक्शन हैं जिसको कहते हैं ना कि उसके जो अमल है ना जो वो चीज़ों पे यकीन रखता है या जिसके बारे में वो बहुत बात करता है वो आपस में उसके जो एक्शंस हैं वो उसके उसकी बातों के साथ मेल खा रहे हैं क्या होता है कि कुछ लोगों के क्या ऐसा होता है कि वो जो कहते हैं ना वो वो करते नहीं हैं ले, तो वो फिर उनके जो एक्शन है उनके वर्ड्स के साथ ही उनके बिलीव्स के साथ consist with नहीं है ठीक है लेकिन अगर आपने ये कहना है कि भई उसके जो जो वो करता है जो वो कहता है वो ही वो करता है तो मतलब उसके वर्ड्स और उसके एक्शन आपस में एक दूसरे के साथ एक जैसे हैं जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता है तो फिर उसके जो एक्शन है दे आर कंसिस्ट विद हिज uh, मतलब जो भी उसके वर्ड्स है ठीक है उसके साथ हीज वर्ड्स हिज वर्ड्स ठीक है कि उसके जो एक्शंस हैं वो उसके अल्फाज के साथ मेल खाते हैं इसी तरह से द न्यू एविडेंस टू कंसिस्ट विद द विजमनी अब विटनेस होते हैं ना जो जिसको हम कहते हैं चश्मदीद गवाह जिसको हम कहते हैं ठीक है कोई कोई भी इंसिडेंट हुआ कोई क्राइम हुआ वहाँ पर जो जो गवाह होते हैं ऐनी शाहिद जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं ठीक है अब वो जो टेस्टमनी देते हैं कि भाई ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ जो वो बयान देते हैं अगर कोई एविडेंस ऐसा सामने आ जाता है बाद में कि जो गवाह ने बयान दिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुताबकत रख रहे हैं एक जैसे हैं मिल मेल खा रहे हैं तो कहेंगे कि भी जनाब जो एविडेंस है वो उसकी टेस्ट के साथ कंसिस्ट विद कर रहा है मतलब कि वो उसके साथ मुताबकत रख रहा है उसके साथ मेल खा रहा है वो उसके है मतलब उसमें किसी किस्म का को कोई फ़र्क नहीं है इसी तरह से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट डजन कंसिस्ट विद द हाई प्राइस टैग कोई प्रोडक्ट है कोई ड्रेस जैसे आप खरीदने गए हैं अब वो उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है उस पर प्राइस तो बहुत हाई है लेकिन अगर आप उस ड्रेस की क्वालिटी देखें तो आपको लगता है कि क्वालिटी तो बहुत लो है क्योंकि प्राइस अगर हाई है तो फिर क्वालिटी भी हाई होनी चाहिए तो अगर क्वालिटी हाई नहीं है क्वालिटी तो बहुत लो है और प्राइस बहुत हाई है तो फिर उसकी जो प्राइस है उस, उसकी क्वालिटी के साथ कंसिस्ट विद नहीं कर रही है ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कंसिस्ट विद हम तब यूज़ करते जब हमने दो चीज़ों के आपस में मुताबकत बतानी होती है तो वहाँ पर हम कंसिस्ट विद यूज़ करते हैं अब आ जाते हैं जी हमारा जो लास्ट है वो है कंसिस्ट ऑन कंसिस्ट ऑन जो है ना वो इसको समझ लीजिए ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ज़्यादा आपको ये नज़र नहीं आएगा लेकिन जान लेना इम्पोर्टेंट है कि अगर एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उस वक्त जो है वो डिफ़िकल्टी ना हो कंफ्यूज ना हो कि कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑन में क्या डिफरेंस हो गया ठीक है कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन में तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया लेकिन कंसिस्ट ऑन आ जाए तो कंसिस्ट तो ऑन जो है ना वो अक्सर यूज़ होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर देने के लिए किसी खास पॉइंट के ऊपर या किसी खास एक्शन के ऊपर अगर आपने जोर देना कभी तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है या ये वाला काम जो है ना ये बहुत अहम है तो वो जो अहमियत बतानी होती है इंपॉर्टेंस बतानी होती है जब हम उस पर थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम कंसिस्ट ऑन इस्तेमाल करते हैं लेकिन याद रखिएगा ये बहुत कम इस्तेमाल होता है तो इसको आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में तो ना ही इस्तेमाल करें तो बेटर अगर आप खुद इस्तेमाल करें लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफा इसको समझ लें तो बेटर है कि खुदा खास्ता अगर एग्जाम्स में आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो जैसे कि द दीम्स सक्सेस विल कंसिस्ट ऑन रेगुलस ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है अगर

फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड कंप्रोमाइज कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जो मसला है ये इस तरह से रिजॉल्व हो सकता है इस तरह से सॉल्व हो सकता है इसके लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिससे ये सॉल्व हो सकता है और वो क्या है कंसिस्ट ऑन कि फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड कि दोनों के दरमियान में जो मेल खाती चीज़ें हैं जो कॉमन ग्राउंड्स है मतलब जिस पे दोनों पार्टीज़ अग्री हो सकती हैं जिसपे दोनों पार्टीज़ का इतफाक़ हो सकता है तो वो कॉमन ग्राउंड्स को फ़ाइंड कर लिया जाए कि वो बातें जिस पे दोनों जो लोग हैं जिनके के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट है वो उस पर राज़ी हो जाएंगे तो वो फ़ाइंड कर लिया जाए और फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए कि दोनों पार्टीज़ जो है वो किसी ना किसी पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करें तो जब कॉम्प्रोमाइज़ होगा और जब कॉमन ग्राउंडस ढूंढी जाएंगी तो ये सॉल्व हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आपको फिर खुद से समझ में समझना है कि कहां पर कंसिस्ट ऑन यूज हो रहा है अगर इंपॉर्टेंस देनी है पॉइंट्स के ऊपर आप एम्फोसाइज करना चाहिए तो कंसिस्ट ऑन यूज होगा और जब क्वालिटीज बतानी होती किसी चीज की कि भाई ये चीजें जो ना ये इसकी क्वालिटीज हैं इसके लिए तो फिर कंसिस्ट इन इस्तेमाल होता है तो आई होप कि आपको ये लेसन जो है वो अच्छा लगा है आपको समझ में आई इनमें क्या इन चारों फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है ऐसे ही कुछ और फ्रेजेस हैं जो अगर आपको कंफ्यूज करती हैं आप मुझसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं आपके लिए लेसन उन पर बना दूंगी इन शाला ओके जी अल्लाह